उत्तराखंड में ही लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार कोरोना को लेकर अलर्ट पर भी है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना को लेकर पूरी तैयारी है और इसको देखते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने दून मेडिकल कॉलेज में मॉकड्रिल के माध्यम से निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित करते हुए कोरोना की सभी तैयारियों करने को कहा। हमारे प्रदेश में जितने भी अधिष्ठान हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, पीएसए प्लांट्स हैं, सभी में इन सभी अधिष्ठानों पे मॉक ड्रिल हुआ था पिछली बार, और 873 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स थे जिसमें हुआ था, और 100% हम लोगों ने डेटा एंट्री की थी। इस वजह से हम लोग देश में टॉप 6 में हम लोग थे, और उसी के तर्ज पे इस बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्देशित किया है कि मॉक ड्रिल दोबारा कराया जाए। तो ये 2 दिन का मॉक ड्रिल का प्रोग्राम था, कल एक सेशन था और आज जो है कंक्लूडिंग डे है। तो आज जितने भी हमारे, जैसे पिछली बार हमने टू फुल कैपेसिटी अपनी मॉक ड्रिल सभी जगह पे की थी, उसकी प्रॉपर ऑडिट भी हुई थी, तो इस बार भी सभी सीएमओस को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि 100% मॉक ड्रिल सुनिश्चित की जाए।